झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार को उखाड़ फेंकने की साजिश रचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन अब इस मामले के तार राज्य के पूर्व ऊर्जा मंत्री और भाजपा नेता चंद्रशेखर बावनकुए से जोड़े जा रहे हैं। हालांकि इन सारे आरोपों का बावनकुए द्वारा हमारे संवाददाता से बात करते दरमियान खंडन किया गया। बता दें कि झारखंड सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश में राज्य के पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर बावनकुए का नाम लिया जा रहा है। एक पत्रकार परिषद के दौरान राकपा प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि झारखंड में केंद्र सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुए पर आरोप लगाए कि विधायक तोड़ने के लिए बावनकुए झारखंड आए थे। आगे उन्होंने कहा कि झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR में बावनकुए के साथ भाजपा नेता मोहित कंबोज का नाम भी शामिल है। हालांकि नवाब मलिक द्वारा लगाए गए आरोपों के चलते महाराष्ट्र की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो गया है। इस संदर्भ में जब हमारे संवाददाता ने बावनकुए से बात की तब उन्होंने कहा कि झारखंड में हुए मामले के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता, अब तक मैं झारखंड भी नहीं गया और इससे मेरा कोई ताल्लुक भी नहीं है। झारखंड का झोंवाला माहित नहीं, झारखंड मध्ये मी आयुष्यात गेलो नाही। नवाब मलिक यांनी झारखंड मध्ये मी गेलो हे राजकीय स्टेटमेंट आहे। राजकारणामध्ये बदनाम करण्याचं षड्यंत्र आहे आणि कोणतेही ऑपरेशन लोटस वगैरे नाही आहे। त्यामुळे नवाब मलिक हे यांच्या बोलण्यावर मी काही त्यांना उत्तर देणे काही खूप काही अपेक्षित नाही आहे। झारखंडमध्ये मी गेलोच नाही, झारखंडचा झ पाहिला नाही, झारखंडची सीमा मला माहीत नाही, झारखंडची असेंब्ली मला माहीत नाही, झारखंडच्या 81 आमदारापैकी मी कोणाला फोनही लावला नाही। आणि त्यामुळं आणि तुम्ही सांगा, मी महाराष्ट्राचा भारतीय जनता पार्टीचा एक महासचिव आहे ना, मी केंद्रीय लेवलला काही नेता नाही आहे ना, झारखंडचा लीडर नाही आहे। आणि त्यामुळं नवाब मलिक यांनी महाराष्ट्रातून बावनकुळ तिथं काही करेल हे हास्यास्पद आहे। माझी तेवढी उंची नाही आहे की मी झारखंडमध्ये जाऊन काय करेल, आणि त्यामुळे हेतू पुरस्पर सर्व आरोप लावलेले आहेत। इस दौरान जब उनसे बेलखेड़े के संबंध में पूछा गया तब उन्होंने कहा कि मेरा बेलखेड़े से कोई संबंध नहीं है और मुझ पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि बेलखेड़े मेरा भतीजा है, ये तो सरासर गलत है। मेरी तीनों पीढ़ियों को भी अगर आप देखोगे तो मेरा बेलखेड़े नामक व्यक्ति से कोई ताल्लुक नहीं दिखेगा। माझ्या परिवाराच्या 3 पिढ्याचा रेकॉर्ड काढला तरी बेलखेड़े नावाचा कोणी भाचा माझा नाही, आणि त्यामुळे माझा भाचा हे प्रेस मध्ये आणि असं बाहेर चुकीचं सांगणं हे खोटं आहे। बेलखेडे नावाचा माझा कोणी नातेवाईकच नाही आहे। मी सांगितलं 3 पिढ्यातलं काढला रेकॉर्ड तरी बेलखेडे माझा नातेवाईक नाही। तो चरण ठाकूर साहेब काटोलचे जे नगराध्यक्ष आहेत, तिथले आपले विधानसभा सीट ज्यांनी लढवली त्यांचा तो तिकडला कार्यकर्ता आहे। माझा तर नातेवाईक 3 पिढ्याचा नाही आहे। आता सार्वजनिक स्वरूपाने माझ्याकडे कोणी चरण ठाकूर साहेबासोबत तू आला असेल, माझ्याकडे काही कामाला आला असेल, 1000 लोक येतात, तू जिल्ह्यातला कार्यकर्ता आहे, काटोलमध्ये राहतो, त्यामुळे 1000 आला असेल, याचा अर्थ तू माझा नातेवाईक झाला आणि त्याने नातेवाईक डिक्लेअर करून टाकलं, ब्लड रिलेशन डिक्लेअर करून टाकलं, हे तर खोटं आहे आणि त्यामुळं तो माझा कोणताही नातेवाईक नाही। इस वक्त उन्होंने कहा कि किसी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इस मामले में मेरा नाम उजागर हुआ है, मेरी छवि खराब हो इस हेतु से मुझे फंसाया जा रहा है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पांसे और दिशा हटवार की रिपोर्ट।